लतीफाबाद यूनिट नंबर 9 के इलाके में वाके हैदराबाद तालीमी बोर्ड के करीब ग्रीन बेल्ट तबाही का शिकार है। बलदियाती इदारों बिलखसूस महकमा पार्क इंतजामिया की आदम तवज्जो के बाइस ग्रीन बेल्ट के तरफ हिफाजती दीवारें और जालियां टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मस्कूरा ग्रीन बेल्ट की तामीरात और दीगर शहरियों के बैठने के लिए नशिस्तें भी तबाही का मंजर पेश कर रही है। और तो और ग्रीन बेल्ट में बैठने के इंतजाम को खत्म करके अब कब्जा माफिया ने अपने अपने कारोबार सजा लिए हैं, जबकि लगता है कि जानवरों की आमादगा भी बना डाली है, जिसके सबब ग्रीन बेल्ट में मौजूद लगाए गए ग्रास और पौधे भी तबाहाल दिखाई देते हैं। ग्रीन बेल्ट में मौजूद दरख्तों को काटे जाने की शिकायत और इसकी लकड़ियों को जलाने के लिए इस्तेमाल भी किए जाने की इतलात मौसूल हुई है। गार्डन है जहाँ पे फैमिली आती है पूरी एक, यहाँ पे फैमिली के तुम थोड़ा देखिए सही तरह, ये पूरी फैमिली पूरी खराब हुए पड़ा है। फैमिली गार्डन है यहाँ पे, आवाम आती है, तो इसके जिम्मेदार को चाहिए कि यहाँ पे पानी डालें अच्छे तरीके से, इसको मतलब मेंटेन करके रखें इसको। और ये जिस तरीके से माहौल चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये मेंटेन हो पाएगा जल्दी। बलदियाती इदारे को चाहिए बिलखसूस पार्क्स को, इसके डायरेक्टर को, कि इस पर तवज्जो दी जाए ताकि शहरी यहाँ बैठकर अपने सुख का सांस ले सके। शहरों को मुतालबा के फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और महकमा पार्क इस जानिब तवज्जो दे। कैमरामैन आसिफ कुरैशी, कैमरा अरशद अंसारी, आपका मौसम न्यूज़ हैदराबाद।